नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी। छत्रह सौ 1799 में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्ला अलैह जंग करते हुए शहीद हो गए, उसकी लाश पर कदम रख करके अंग्रेज टॉमसन कहता है, क्या कहता है कि आज से यह मुल्क हमारा है। यानी टॉमसन को भी यह यकीन हो गया कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहा ये मुल्क हम कब्जा नहीं कर सके। टीपू सुल्तान के मरने के बाद ये मुल्क हमारा हो गया है। फिर उसके बाद 1803 में ने अंग्रेजों से जिहाद करने का फतवा दिया। फिर 1831 ईस्वी में सैयद इस्मा अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट के मैदान में अंग्रेजों से जंग करते हुए शहीद हुए। फिर 1857 ईस्वी में सबने मिल करके आजादी लड़ी, जिसमें नाकामी हुई और फिर उसके बाद सबने मिल करके जब तैयारी की तो फिर आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को 75 साल मुकम्मल हो गए, इसके मौके पर मैं पूरे देशवासियों को, भोपाल वासियों को और इस रैली में, इस भीगती बारिश में अपनी मोहब्बत का परिचय देते हुए शामिल हुए सभी हजरात का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्होंने दिखा दिया कि नॉन पॉलिटिकल रैली में अपनी गाड़ियों में आकर के भीगते पानी में शरीक होकर के अपनी मोहब्बत का परिचय दिया है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया, आज भी इस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए सबने इस रैली में हिस्सा लिया, मैं सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ। और ये हर साल इसी तरह रैली जो है का आयोजन किया जाएगा और पूरी टीम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस रैली को इसी तरह जो है हम हर साल जो है जारी रखेंगे। और सब रैली में आए हुए लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। युवाओं में खासा जोश देखने को मिला, पानी भी गिर रहा है। जी हाँ, अगर ये पानी नहीं गिरता तो बहुत बड़ी तादाद में जो है ये रैली होती, भोपाल के इतिहास में ये सबसे बड़ी रैली होती। लेकिन अभी भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह लोग जो है इस रैली में शामिल हुए कि दूसरा सिरा देखते नहीं बन रहा था, कि जहाँ देखो नजर जा रही है झंडे ही झंडे दिख रहे थे। ये अपनी मोहब्बत से एक अपील में हमारी टीम के द्वारा जो की गई थी, जो मेहनत कर रहे थे 15 दिन से, हमारी पूरी टीम का इसके अंदर सहयोग है। जिस तरह से भोपाल के कोने कोने में, भोपाल से बाहर के लोग भी इसमें शरीक हुए और राजधानी में आकर के इन्होंने इंदौर से, खंडवा से लोग आकर के इस रैली में शामिल हुए हैं। और कई लोग जो बारिश की वजह से नहीं आ पाए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और आइंदा साल जो है शरीक हुए और इसी तरह अपनी मोहब्बत का परिचय दें। अरे पठान रेजिमेंट की बात भी कही। जी हाँ, ये पठान रेजिमेंट जो है अपने अंदर जज्बा पैदा करने के लिए कि मुसलमान को आगे रख करके अगर जो भी हालात इस देश के अंदर पैदा होंगे कि मुसलमान के खून की ज़रूरत पड़ेगी तो आखिरी खून भी हम इस देश के लिए जो है बहा देंगे अपनी, क्योंकि इस देश में मुसलमान रहता आएगा, हिंदू रहता है, सिख रहता है, सब मिल करके इस देश के अंदर रहते हैं। वो तमाम मुल्क वाले अपनी आँख उठाने से पहले देख लें कि इसके अंदर पठान रहता है, मुसलमान रहता है। एक मुसलमान जब तक जिंदा रहेगा इस देश के ऊपर वो आँख नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने गंगा जमनी तहजीब की जो हमें तालीम दी है हम ये कायम रखेंगे और अपने हिंदू भाइयों का भी ध्यान रखेंगे, अपनी जान से बढ़कर ध्यान रखेंगे। सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आज के दौर में जहाँ पे कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ सरकार के तलवे चाटने पे मजबूर हैं, उसमें से कुछ पत्रकार आप जैसे बहादुर लोग भी हैं जो आज हम लोगों की रैली कवर करने आए हैं। आप सबको मेरा दिल से सलाम। और जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में बताया कि सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, राजस्थान राइफल्स है, एक इस्लाम रेजिमेंट या पठान रेजिमेंट की भी स्थापना इंडियन आर्मी को करनी चाहिए। और हमारे सारे मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम नौजवान बिना सैलरी के भी उस आर्मी के लिए साथ काम करने को तैयार है। और हम चाहते हैं कि पठान रेजिमेंट को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया जाए। हम जो हमारे BSF और आर्मी के सीने पे पाकिस्तानी और चाइनीज गोली मारते हैं, वो गोली हमारे नौजवान और हम अपने सीने पे झेलने को तैयार हैं। हमारी भारत सरकार से गुजारिश है।